हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी सेकेंड सेम के स्टूडेंट है, ये गैप जंक्शंस एंड कनेक्शंस। इसका इंट्रोडक्शन से गैप जंक्शंस एक टाइप के सेल जंक्शन से गैप जंक्शंस स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़कर अणु आयन के आदान प्रदान की अनुमति देता है। यह वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में ही पाए जाते हैं। गैप जंक्शंस बॉडी के भीतर की सेल के बीच में पाए जाते हैं। गैप जंक्शंस केवल एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। गैप जंक्शन स्ट्रक्चर, वर्टिब्रेट सेल में गैप जंक्शंस कनेक्शन प्रोटीन के बने होते हैं। कनेक्शन एक लंबी डोनर जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। छह कनेक्शन एक हेल्प कैनल बनाते हैं जिसे कनेक्शन कहा जाता है। एक पूरा चैनल बनाने के लिए दो कनेक्शन एक साथ आते हैं। फंक्शंस ऑफ गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस का मेन फंक्शन सेल को आपस में जोड़ता है ताकि अणु एक सेल से दूसरे सेल में जा सके। गैप जंक्शंस स्पेशल रूप से एम्ब्रियो के विकास के दौरान महत्वपूर्ण होता है। यदि गैप जंक्शंस अवरुद्ध हो जाते हैं तो एम्ब्रियो सामान्य रूप में विकसित नहीं हो सकते हैं। गैप जंक्शंस सेल को रासायनिक बनाते हैं। इनका मतलब है कि सेल आपस में जुड़ी हुई है और अणुओं का एक लंबा सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर वर्क करती है। गैप जंक्शंस के माध्यम से एक दूसरे को चिकित्सक यौगिक भी भेज सकती हैं। अदर सेल जंक्शंस, वर्टिब्रेट्स में टू टाइप्स के जंक्शंस होते हैं, एक रिंगी और टाइट जंक्शंस। एक रिंग जंक्शंस साइटो के स्केलीटन से जुड़े होते हैं तथा टाइट जंक्शंस एपिथेलियल सेल से जुड़े होते हैं। इसका कंक्लूजन से है, गैप जंक्शंस शब्द इलेक्ट्रॉन माइक्रोपिस्टस द्वारा दिया गया। दो जुड़ी सेल की लेटरल स्ट्रक्चर में कई गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। गैप जंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं।